हेलो नमस्ते सस्ते अकाल, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? हाई, हम तो सलमान खान बन गया है। ये सब डायलॉग्स, सलमान खान का डायलॉग हम मार रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा फॉलो करते हैं बिग बॉस। आज के बाद बिग बॉस देखना बंद। सो गाइस, हम इतने दिन से यही सोच रहे कि आखिर हुआ तो हुआ क्या है। मेरा कैमरा को, मेरा मोबाइल का पिक्चर क्वालिटी क्यों इतना क्लियर नहीं आ रहा है? मेन बात तो यही था कि जो भी किया है ये शॉपकीपर का ही काम था। पता है क्या कर दिया उसने? मेरा कैमरा को अच्छे से साफ नहीं करके धुंधला में हमको टेम्पर ग्लास लगा दिया। तो हम बाद में देखा तो कल परसों कुछ दिन के बाद हम टेम्पर ग्लास, मेरा फट गया। हम हटा दिया टेम्पर ग्लास तो देखा है कि मेरा पिक्चर क्वालिटी अच्छा है, मेरा फ़ोन ख़राब हुआ ही नहीं था। बेकार में इतना दिन से सोच रहे कि आखिर हुआ तो हुआ क्या है, मेरा फ़ोन को क्या हुआ है, तो अभी पता चले कि मेरा फ़ोन कुछ हुआ ही नहीं है। और अभी हम लोग जाने वाला है मंदिर, हम लोग का फेस्टिवल है पंचोंग। सो पूरा हम कपड़ा इधर से उधर देखे, ये है आपका स्कार्फ, यहाँ पे ऐसे लगाते, ये है गले। और मेन बात तो ये था, हमको शॉपिंग करने नहीं मिला है, सब पुराना ड्रेस पहनना पड़ रहा है, टाइम भी नहीं मिला है शॉपिंग करने के लिए, इतना बिजी था। तो अभी हमको इस रेडी वेडी नहीं किया है, बस फ्रेश नहीं किया, नहा के जब अब जस्ट आया हुआ है तो हम अभी रेडी करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग जाना पड़ेगा मंदिर। और चलो, मेन बात तो है इस बार जो हम लोग का पंचोंग जो हो रहा है, जो कि हो रहा है यहीं पे नमसाई में, हम लोग का अपना नमसाई में, नमसाई मंदिर में हो रहा है, हम लोग का नमसाई टेम्पल में, हम लोग उधर ही जाने वाला है। अभी हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेना पड़ेगा, फैशन कर लेना पड़ेगा। इस सर ऐसे हालत में ऐसे शक्ल लेके तो हम नहीं जा सकता है, लिपस्टिक लगाना पड़ेगा, काजल लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम ड्रेस पहन ही लेता हूँ। अभी आपका टाइम हो रहा है शायद 9 बज रहा है, हाँ एग्जैक्टली 9 बज रहा है, तो हम रेडी कर लेगा। ओके, तो अब हम रेडी हो चुका है। बहुत लिप जो ज़्यादा लिपस्टिक हो रहा है, कोई बात नहीं, ज़्यादा मेकअप भी नहीं करता है, बहुत ये हो रहा है। ओ माय गॉड, मैंने नेल पॉलिश भी नहीं लगाया, भूल गया नेल पॉलिश। ऑलमोस्ट रेडी हो गया है अपन, क्या करो, पुनः पुनः ड्रेस पहन के जाना पड़ रहा है। मेरा नया ड्रेस है ही नहीं लाया, ये नहीं गया रेडी। देखा मेरा पुराना ड्रेस, हम नया ड्रेस सिलाया ही नहीं, सिर्फ शॉपिंग करने का टाइम नहीं मिला है तो यही ड्रेस पहन के जाना पड़ेगा। और तो और हम अपने दोस्त का वेट करते हैं, ये सामान ही सामान जहाँ तहाँ भी करके, और अभी हम अपने दोस्त का वेट करते हुए अभी तक पहुँचा नहीं। ये लड़की तो कर क्या रहा है पता नहीं। सब लोग सुंदरों की जगह और मेरे पास कोई कपड़ा ही नहीं है। चुका है मेरा नेल पॉलिश हो चुका है। एक्चुअली मेरे बाल को हम खोल के ही जाने वाला है, सस्ता मस्ता हम हेयर स्ट्रेट किया था, हम खुद अपने आप हम हेयर स्ट्रेट किया था, एक परसों हो गया था तो धुलाया नहीं, फिर भी उपाय नहीं है, ऐसे जाना पड़ेगा, बांध भी नहीं सकते, बांध देने से बाल तो खराब हो जाता, तो हम ये बैंड हेयर बैंड ही लगा के जाना पड़ेगा, नहीं तो बाद में बहुत गर्म हो गया। हम पार्लर जाते हैं 3-4 thousand खर्चा करके हेयर स्ट्रेट करते हैं, तो हम सोचा हम खुद क्यों ना कर लूँ। हम खुद करने का वजह से मेरा पैसा भी बचा है, 600 से मेरा हेयर स्ट्रेट भी हो गया है, ज़्यादा भी खर्चा नहीं किया है। तो गाइस, हम तो मेला जाके तो वापस आ चुका है। एक्चुअली हम कोई वीडियो सीडियो ही नहीं बना पाया है, मेन बात तो ये था कि समय नहीं मिला है, गया है थोड़ा सा ज़्यादा, अभी मेला में नहीं बैठा है, बहुत जल्दी आ गया था। मेरा दोस्त भी हमको धोखा दे दिया, हमको बोला साथ में ही जाएगा, रेडी बैठो, हाँ ठीक है फाइन, हम रेडी होके बैठा है, और जाने का जब समय हुआ है तो बोला कि हम नहीं जाएगा, घर में आके वापस चला गया, इसलिए हम उसको अभी से गुस्सा है, बात नहीं करेगा हम उसको, समझ लो वो हम तुमको ही बोल रहा है, कान खोल के सुन लो तुम।